हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जगह जॉब्स अपडेट पॉइंट। बिहार को देखकर बिल्कुल मत समझिएगा स्टेट लेवल की पोस्ट है, ये रहेगी सेंट्रल लेवल की पोस्ट। और ये है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है गया में, यानी कि बिहार में, उसकी उसमें जो है कुछ एडवर्टाइजमेंट की गई है। और मैं बता देता हूँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट है इंडियन आर्मी द्वारा की गई है। और साथ में बता देता हूँ कि 25 दिसंबर को जो है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश किया गया, और इसकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की, मैं आपको बता देता हूँ, 45 दिन आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट। और जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए रहेगी 52 दिन, यानी 52 डेज जो है आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बात करूंगा यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट जो है एडवर्टाइज की गई, और बहुत ज्यादा पोस्ट यहाँ पे वैकेंसीज, माने कि हर कोई पोस्ट कैडर में जो है कम वैकेंसी है, बट बात करूंगा ओवरऑल पोस्ट की तो काफी ज्यादा वैकेंसी जो है एडवर्टाइज की गई है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगा कि किस किस तरह का एज फैक्टर और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और किस किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ में बता देता हूँ यहाँ पे मैं आपको कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर अभी तक जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि इन फ्यूचर में आने वाली जितनी नोटिफिकेशन रहेंगी वो आप तक अपडेट पहुंच सके। और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट को फॉलो कर लीजिए, जितनी नोटिफिकेशन यहां पर अपलोड होती है चैनल में उतना अपडेट वहीं पर भी रहता है। सो बात करते हैं सबसे पहली पोस्ट की, कैडर ऑर्डरली। सो ऑर्डरली पोस्ट के लिए मैं बता दूं, कुल मिला के 13 वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं, 4 वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए और 4 EWS के लिए, माफ कीजिए, 4 OBC के लिए और 2 EWS और 1 ex-servicemen के लिए है और 1 PWD के लिए रहेगी। बात करूंगा लेवल 1 रहेगा पे स्केल, और बात करूंगा 18 से 27 साल तक एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और 35 साल रहेगी जो गवर्नमेंट सर्वेंट रहेंगे उनके लिए। और साथ ही मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स की छूट है, जिनका 3+ ईयर्स जो है वो सर्विस सरेंडर हो चुका है इंडियन आर्मी नेवी या एयरफोर्स से। बात करूंगा फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की छूट दी गई है। ओबीसी की बात करूंगा तो 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, एससी की 5 की और एसटी की भी 5 की। 10th पास क्वालिफिकेशन रहेगी इस पोस्ट के लिए। बात करेंगे सेकंड पोस्ट ग्राउंड्समैन की, तो कुल मिला के 3 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज की गई है, आपको मेरे डेस्कटॉप में दिख ही जाए। पे स्केल बिल्कुल सेम रहेगा, और बात करूंगा 18 से एज रिलैक्सेशन का जो पीरियड है वो भी सेम रहेगा इस पोस्ट के लिए, और क्वालिफिकेशन भी सेम ही है। बार्बर की बात करूंगा तो एक ही पोस्ट एडवर्टाइज की गई है जो अनरिजर्व कैटेगरी में है, एज रिलैक्सेशन 18 से 25 रहेगी और साथ में 35 रहेगी, इन गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं अगर आप। और साथ में बात करूंगा तो 10th आपको पास होना जरूरी है और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास बार्बर ट्रेड का। साथ बात करेंगे फोर्थ पोस्ट जो है कि कारपेंटर की, तो कारपेंटर पोस्ट के लिए पे मैट्रिक्स जो चेंज हो चुकी है यहाँ पे सैलरी की बात करूंगा तो लेवल 2 में आ चुकी है जो एक कांस्टेबल की रहती है, तो 1900 पे ग्रेड में 19,900 से लेकर 63,200 तक। और एज की बात करूंगा तो 18 से 27 साल तक एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाए, एज क्राइटेरिया, और 35 साल तक रिलैक्सेशन दी जाएगी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप रहते हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए भी 10th ही रहेगी। बात करेंगे सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की, तो यहाँ पे एक ही पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड में कैटेगरी में एडवर्टाइज की गई है, जिसमें लेवल 2 है जो कांस्टेबल पोस्ट के लेवल की सैलरी है जो वो आपको मिलेगी यहाँ पे। 18 से 25 साल तक एज लिमिट है और रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट सपोर्ट को अप टू 35 ईयर्स तक। आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए स्टेट का, आप जो है फिर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। फर्दर बात करते हैं सिक्स ट्रेड की, तो सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 8 पोस्टें एडवर्टाइज की गई हैं, 3 पोस्टें अनरिजर्व में हैं और बाकी फर्दर आप कैटेगरीज में देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप में। उस तरह से एज भी आप देख सकते हैं सेम रहेगी 18 से 27 साल और अप टू 40 ईयर्स तक यहाँ पे 5 साल की और छूट दी गई है एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सर्वेंट को। 40 साल की छूट एज पे भी अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है अप्लाई कर सकते हैं सिविल मोटर ड्राइवर के लिए जो ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए है। और साथ में बात करें तो ओबीसी को 3 साल की, एससी को 5 और एसटी को भी 5 साल की रिलैक्सेशन है। मैट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए यानी 10th, और साथ में आपके पास ना सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज अ ड्राइवर। सो बात करते हैं अगले की, कुक की, तो कुक में 14 पोस्टें यहां पे एडवर्टाइज की गई हैं, आप मेरे डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं बाइफर्केशन उनकी। और साथ में बात करूंगा लेवल 2 पे स्केल रहेगा और 18 से 25 साल तक जो है इनके एज लिमिट रहेगी, 40 साल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। एक्स सर्विसमैन की बात करूंगा तो 3 साल की छूट दी जाएगी, 3 साल जिनको हो चुके हैं सर्विस से आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। बात करेंगे ओबीसी की तो कुल मिला के 3 साल की और रिलैक्सेशन दी गई है, एससी एसटी को 5-5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए आप और आपको नॉलेज होनी चाहिए खाना बनाने की, यानी आपको कुक की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। बात करेंगे आगे साइकिल रिपेयर की, तो 3 वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं, 18 से 25 एज रिलैक्सेशन है और लेवल 1 पे जो है इसका पे स्केल रहेगा, 5 साल की छूट दी गई है एससी को और 1 पोस्ट SC में एडवर्टाइज की गई है और 2 हैं जो वो ओपन कैटेगरी के लिए रहेंगी। आपको जो है 10th पास होना चाहिए और एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट का। बात करूंगा आगे ईबीआर की, ईबीआर कैडर में एक ही पोस्ट है जो एडवर्टाइज की गई है, 18 से 25 साल तक जो है वो आपको एज क्राइटेरिया रहेगा और रिलैक्सेशन है 35 साल तक रहेगी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, और जो आप जो है वो 10th पास होने जरूरी है और साथ ही में आपके पास जो है वो
कैनवास टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट पोस्ट के भी एक्सपीरियंस रहना चाहिए। बात करेंगे ग्रूम की, तो एक ही पोस्ट आपने डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं, क्योंकि हर पोस्ट को डीपली अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो काफी लंबी वीडियो चले जाएगी। उसी तरह से ग्रूम की है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करूंगा एक पोस्ट जो आपको मैं डेस्कटॉप में देखी रही है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करूंगा एक पोस्ट है जो एडवर्टाइज की गई है, उसके बाद मसालची में दो पोस्ट एडवर्टाइज की गई है, एमटीएस चौकीदार में जो है कुल मिलाकर 11 पोस्ट यहां पे एडवर्टाइज की गई है, 10th पास क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए रहेगी यहां पे, और एमटीएस गार्डनर की बात करूंगा तो 3 पोस्ट हैं जो एडवर्टाइज की गई हैं। साथ में बात करूंगा एमटीएस सफाई वाला, तो 7 पोस्ट जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगी और फर्दर टोटल 11 पोस्ट यहां पर एडवर्टाइज की गई है। अपने डेस्कटॉप में हर एक जो है वो देख सकते हैं क्वालिफिकेशन और एज। अगर इसके रिगार्डिंग फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में डायरेक्टली आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको जो है डीपली उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बता दूंगा। साथ में बात करेंगे सफाई वाला के बाद एमटीएस मैसेंजर की पोस्ट यहां पर निकाली गई है, एक ही पोस्ट निकाली गई है रिजर्व कैटेगरी के लिए। फोटो स्टेट ऑपरेटर की बात करूंगा तो एक ही पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है, सैनिटरी ओवरसीयर की बात करूंगा एक ही पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है, स्टोरमैन की बात करूंगा तो इसमें भी जो है एक पोस्ट जो है वो कैटेगरी वाले के लिए ओपन कैटेगरी में निकाली गई है, सुपरवाइजर प्रिंटिंग प्रेस की बात करूंगा तो एक ही पोस्ट है जो वो एडवर्टाइज की गई है रिजर्व कैटेगरी में, टेलर की बात करूंगा तो यहां पे भी आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में एक ही पोस्ट है जो वो एडवर्टाइज की गई है टेलर पोस्ट के लिए ट्रेड के लिए, और साथ में वॉशरमैन की बात करूंगा तो दो पोस्टें कुल मिलाकर एडवर्टाइज की गई हैं और दोनों की दोनों जो है ओपन मेरिट कैटेगरी में लाई करती हैं। सो बात करेंगे फर्दर ज्यादा डीप नहीं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा इन पोस्ट के लिए वो रहेगा ओटीए गया यानी कि बिहार में रहेगा, और साथ में बता देता हूं कि जो कैंडिडेट हैं उनका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो डिपेंड रहेगा उनके रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के ऊपर, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूंगा। यहां पे देख सकते हैं हमें डेस्कटॉप में द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, सब डिविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और साथ में देख सकते हैं लोन स्पिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंगल, सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये जो आपको मैं डेस्कटॉप में देख रहे हैं इनके लिए 52 डेज जो है लास्ट डेट रहेगी पब्लिकेशन की, और साथ ही में यानी आप अप्लाई कर सकते हैं 52 डेज तक की जो है आपको छूट दी जाएगी, बाकियों के लिए 45 डेज रहेंगे, और उसी तरह से आपको जो है वो उसको स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्ट्री पोस्ट करना है, आप बाय हैंड नहीं किसी को दे सकते या किसी और सोर्स से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचा सकते, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। साथ ही में 25 रुपए की जो है आपको पोस्टल स्टैंप जो है लगा के देनी है विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी लगाने हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है आपको, और साथ में बात करूंगा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप है किसी कोई कास्ट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं, और साथ में अगर कोई एक्सल इसमें अप्लाई कर रहा है वो फोटो कॉपी लगाएगा अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की, और साथ में अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको जो है लगाना है साथ में, और साथ में बात करूंगा यहां पे आप देख सकते हैं 45 डेज की पब्लिकेशन फर्दर के लिए रहेगी और बाकी 52 डेज की है जो मैं आपको बता चुका हूं उन स्टेट्स के लिए रहेगी। उसी तरह से आप एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां पे चार तरह के पेपर रहेंगे, एक जो रहेगा सबसे पहले कुल मिलाकर यहां पे मैं आपको बता देता हूं 150 क्वेश्चंस का जो वो पेपर कंडक्ट किया जाएगा 2 घंटे का, और जिसमें मैं बता देता हूं पेपर वन पे आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे जो 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 50 जो 50 नंबर के होंगे, जनरल इंग्लिश के होंगे 50 जो 50 मार्क्स के होंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा 25 मार्क्स जो 25 मार्क्स रहेगा। कुल मिलाकर यहां पर आपको जो है 150 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और साथ ही में 2 घंटे का जो है आपका ड्यूरेशन रहेगी टाइम की, और साथ ही में आप मेरे डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं यहां पे ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं बाद में, या फॉर्मेट आपको मिल जाएगा उनकी मेरे पीडीएफ जो है मैं अपने अपलोड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। सो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, और साथ ही में मैं बता देता हूं अगर कोई कैंडिडेट कैटेगरीज में अप्लाई कर रहा है तो यहां पे आप देख सकते हैं एक डिक्लेरेशन है, और उसके नीचे ही है डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट जो रहेंगे उनकी तरफ से ये डिक्लेरेशन रहेगी, और साथ ही में अंडरटेकिंग आप देख सकते हैं यहां पे मेरे डेस्कटॉप में आपको दिख रहा है, लेकिन ये अंडरटेकिंग है जो वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहेगी, और साथ ही में आप ये डेस्कटॉप में मेरे पूरे जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहां पे अलग से अंडरटेकिंग अथॉरिटी दी गई है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट इन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया बिहार में। सो ये रहेगी सेंट्रल लेवल की पोस्ट, और डिफरेंट तरह के कैडर्स यहां पे हैं जो अप्लाई एडवर्टाइज किए गए हैं। सो वीडियो के साथ बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। सो मिलते हैं अगली वीडियो और कुछ फर्दर अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।